नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाउस ऑल इंडिया। मीडिया ने विनीता के साथ आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। उदयपुर में हुई हत्या को लेकर महाकाल मित्र मंडल एवं हिंदू संगठन और राजपूत कर्णी सेना ने भी दी सौंपा ज्ञापन। पेटलावत तहसील के अंतर्गत आने वाली सबसे बड़ी पंचायत जखनावदा में भी उदयपुर में हुए कन्हैया लाल की हत्या को लेकर हिंदू धर्म के लोगों ने बड़ा रोष व्याप्त किया। पूरे नगर में दो पहिया वाहनों से महाकाल मंदिर से रैली निकालकर कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी हो फांसियों के नारे लगाते हुए ग्राम में स्थित बस स्टैंड पर उनके पुतलों का दहन किया गया और जोर जोर से नारे लगाए गए। साथ ही उसके बाद नगर में स्थित चौकी पर पहुंचकर राष्ट्रपति महामहिम के नाम ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें कन्हैया लाल की हत्या का रोष व्याप्त किया गया और जिन्होंने यह कृत्य किया है उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए चौकी पर ज्ञापन दिया। उदयपुर में जनहत्या के विरोध में हत्यारों को फांसी की सजा की मांग के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उदयपुर राजस्थान में हुई विगत 28 जून को कन्हैया लाल टेलर की वर्ग विशेष के द्वारा निर्गम हत्या कर दी गई है, जो कि भारतीय कानून को हाथ में लेना है, संविधान का उल्लंघन करना है। इस प्रकार के क्रूर व हत्यारे प्रवृत्ति के लोगों को फांसी की सजा हो ताकि आने वाले किसी भी प्रकार के जातीय धार्मिक विवाद में कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेने ना लेने के इस प्रकार बेरहमी से कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई है और देश के प्रधानमंत्री को खुली धमकी दी है, वीडियो वायरल किया जा रहा है, उसकी समस्त हिंदू संगठन घोर निंदा करते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं, हुए हत्यारों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग करती है। श्री महाकाल मित्र मंडल जखनावदा समस्त हिंदू संगठन श्री राजपूत कर्णी सेना द्वारा ये विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है। देश के इन गद्दारों को फांसी हो, देश के इन गद्दारों को फांसी हो, फांसी हो, कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी हो, फांसी हो, कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी हो, फांसी हो।